लेने आए थे डैडी को लेने के लिए आता था ना, शादी में सब बैठता था। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये हमारा रहेगा पार्ट वन ट्रैवलिंग का। हम लोग नीचे उतरते हैं। कैसे कैसे बोला? पार्ट वन ट्रैवलिंग। तो अभी नीचे उतरते हैं और देखते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। जवान कौन कौन है? इसका मतलब है जो जवान है वही उतारेगा। तो हमारे बड़े अबू सबसे ज्यादा जवान है कि नहीं? बड़े अबू जवान, तो बड़े अबू से आप सब उतार दीजिए। तो यार इतना सारा लगेज आप लोगों को दिखाया हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे पार्ट वन ट्रैवलिंग वाले में। तभी हम लोग जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अभी हम लोग एयरपोर्ट पे गए। आप लोग एयरपोर्ट का पूरा व्यू देख सकते हैं। इन लोग सब काम कर रहे हैं, बट हम तो करेंगे अपना व्लॉगिंग। और गाइस इस वाले व्लॉग में ना, मतलब हम लोग थोड़ा रूट बड़ा रहेगा। हम लोग बस से भी ट्रैवल करने वाले, तो लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी सब सामान उतार रहे और उन्हें एकदम मस्त अपना ब्लॉगर लोग की लाइफ जी रहे, एकदम मस्त ड्रेसिंग ड्रेसिंग करके बस खड़ा होगा। सो हम लोग चलते हैं, आप लोग पूरा एयरपोर्ट देख ही सकते हैं। चलो बापू भाई, चलो चलो जल्दी। दिख रहा है, दिख रहा है। तो यार बापू भाई आए मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगा स्पेशल थैंक्स टू हिम। तो अभी हम लोग चलते ही गए। तो गाइस बोर्डिंग टाइम ही ना कुछ 4:30 की, बट अभी हम लोग कुछ 1 बजे आ गए थे। तो चलो फाफू भाई चलो। अच्छी ट्रेन की तरह इधर भी बोल रहे, पर फर्क है वाले लड़का बोलते हैं यहाँ पर आवाज में, लड़की बोलती है लड़का बोलता है। अभी हम लोग का लगेज इतना ज्यादा है, तो अभी हम लोग अपना ट्रॉली ले लेते हैं यहाँ से। आप लोग देख ही सकते हो ट्रॉली, फाफू भाई को भी मैं बुलाता हूँ। तो हम लोग यहाँ से अपना 2 ट्रॉली ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना लगेज कैरी करते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा ट्रॉली, अभी हम लोग चलते हैं। इसके ऊपर ना गाइस अपने डैडी को लेके आता था ना, डैडी को लेने के लिए आता था ना, सभी में सब बैठता था। सो गाइस हम लोग इसके ऊपर पूरा लगेज वगैरह रखते और कुछ चैलेंज वैलेंज करते का मजा आ रही है। पब्लिक बहुत है यार, दिन में ना और अच्छी लाइटिंग रहती है और ज़्यादा मज़ा आता। तो हम लोग सरो पूरा लगेज इसके अंदर रखते, उसके अंदर अपना बैग भी रख दूंगा और पूरा अंदर तक का रहना पड़ेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो यार लगेज देख सकते हो फुल एडजस्ट करके रखे, 1, 2, 3 और इसके ऊपर चार्जर रखना पड़ेगा। और फाफू भाई बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रहे। सो अभी हम लोग तो एयरपोर्ट यार देखो कोई प्यार नहीं करता यार, मैं सबको बोला सबको रखने ऐसी है कि जा भाई तू जा, बट कोई नहीं यार। चैलेंजेस 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 क्या करेंगे, जा रहा कुछ करना चाहिए चैलेंजेस। भाई जब मैं आऊंगा ना तो लेने के लिए भी आना, और मैं तेरे लिए वहाँ से बहुत सारी चीजें लेने भी आना पड़ेगा। तो फिर लगेज कौन पकड़ेगा? चलो अभी हम लोग एंट्री लेते और आप लोग बताना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। अभी काफी सही दिखता हूँ क्योंकि अच्छा दिखता ही है। बस ऐसे यार एक मोमेंट आना चाहिए, जब मैं निकलूँ ना तो ऐसे बहुत सारे लोग सेल्फी लेने के लिए, एक मोमेंट एक अलग ही मोमेंट होगा। सो गाइस अभी हम लोग चलते हैं। मेरा मोबाइल सर सर एक सेल्फी आपका फोन, आपका फोन गजब पीछे थी, इनका फोन नहीं गाइस ऐसे ही बोल रहे। सो अभी हम लोग चलेंगे। बोर्डिंग टाइम कुछ 4:30 का मैंने आप लोग को बोला भी था, तो बट अभी हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं। एक भारत मिलाप होता है, इसको कहते हैं हम मिल रहे हैं सब। अहमद तुम किससे मिल रहे हो भाई? मैं भाई सब किसी ना किसी से मिल रहे भाई। मिर्जा तुम किससे मिल रहे हो? मिलूंगा भाई तुमसे, मिलूंगा भाई। अरे जल्दी जा रहे भाई, यार क्या है ये यार, दिल से बुरा लगता है कभी कभार बट जाने। ओके यार बस अभी हम लोग थोड़ा अंदर एंट्री करेंगे और मास्क वगैरह तो पहनना ही पड़ेगा। तभी मैं अंदर आके मास्क भी पहन लूंगा, तभी आप लोग देख ही सकते हो। और वो इसकी क्वालिटी को थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मैंने एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं किया। तो चलो चलते हैं और अगर देखते हैं गाइस आप लोग बस ब्लॉग के एंड तक का जरूर से बने रहना। सो गाइस ये मेरी मम्मी है और ये मेरे को बोले थे वीडियो में लेने के लिए, क्योंकि मेरे को छोड़ने के लिए आए थे। तो इमोशनल होने की क्या हुआ था, मैं जा रहा था दुआ करी और अच्छा है। तो गाइस अभी चलो चलते हैं और आगे की सारी चीज़ें देखते हैं। हाफिज ब्रो एयरपोर्ट के अंदर से हम लोग चलते, आगे देखो ओवेस वो रहा सामान लेके जा रहा है और वो डेड। तो अभी हम लोग थोड़ा अंदर एंट्री लेंगे और आप लोगों को सारी चीजें अपडेट देते रहूंगा।
और थोड़ी वॉइस की क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं आती है ये, बट आप लोग इनका क्या देखते हैं गाइस। अब भी अहमद भक्कर हम लोग ने मजदूर बना दिया पूरा, नहीं गाइस मतलब करना पड़ेगा ये गाइस। अब भी अहमद भक्कर पूरा मजदूर है, इसी बात पे लाइक करो और सब्सक्राइब फेस पे तो दिखा भाई। तो पासपोर्ट का पूरा एंट्री करेंगे, देन उसके बाद हम लोग अंदर एंट्री लेंगे और 4:30 कुछ फ्लाइट की टाइमिंग है, हम लोग को वो भी दिखाऊंगा। तो बस आप लोग ब्लॉग को एंड तक बने रहना और देखते रहेंगे। अम्मी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ही लगेगा ना, हर व्लॉग में इसी बोलते भाई, गांव वाले में भी बोले थे अच्छा लग रहा है, अभी भी अच्छा ही लग रहा है। सो अभी देख सकते हो लाइन में हम लोग खड़े हुए, हम लोग अंदर जाएंगे और देख गाइस। अभी जस्ट हम लोग का इमिग्रेशन हुआ है, आप लोग देख सकते हो मेरा बोर्डिंग पास मेरे हाथ में ही है। और यार मैं सोचता था अपना ट्रेन ही सही यार, इतने लंबे लंबे प्रोसेस रहते हैं यहाँ पर और करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और लाइन में लगो वो अलग है। सो अभी हम लोग जा रहे गाइस, अभी हम लोग कोविड टेस्ट भी मतलब वैक्सीनेशन का वो भी प्रूफ होने वाला है। सो अभी हम लोग आगे चलते और देखते आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो गाइस। अभी हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो यार अभी ना कुछ 4 बजने वाले और मैं 3:25 हो रहे, बट बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, 0% नींद दिख रहा है मेरे चेहरे पर। और मैं तो फूल यार एकदम मूड में ब्लॉग करते रहने का। जब हम लोग रियाद में पहुँचेंगे वहाँ से ना 12-13 घंटे का बस ट्रैवलिंग भी होने वाला है, तो उसका भी मैं आप लोग को ब्लॉग बना के ज़रूर से दिखाऊंगा। तो आप लोग एंड तक का जरूर से देखना और बने रहना। मैं बोल रही थी इतना लंबा चेकिंग होता है, इससे बेटर हमारे एग्जाम की चेकिंग होती है। वही टेस्ट 4 टेस्ट होते, बट यहाँ पर तो भाई बहुत ही ज़्यादा होते हैं, कोविड टेस्ट, इमिग्रेशन टेस्ट, पासपोर्ट स्टैंपिंग, बहुत सारी चीज़ होती है। आप लोग ट्रैवल करते हो पता चलेगा यार बहुत ज़्यादा एकदम थक जाते हैं यार लिटरली, आप लोग क्या बोलूँ। सो हम लोग आगे चलेंगे और अभी ऑलमोस्ट बस वहाँ पर देखो डिपार्चर टाइम देख रहे हम लोग अपना, डिपार्चर टाइम देख के डायरेक्टली फ्लाइट में एंटर हो जाएंगे। सो चलते और देखते गाइस। अभी हम लोग ने अपना वो डिपार्चर टाइम देख लिया जो 4 बजे का होने वाला है, एग्जिट 4 बजे का, और अभी ऑलमोस्ट कुछ 15-20 मिनट बचे हुए। सब हम लोग चल ही रहे हैं और वहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारी फ़्लाइट रहती है वो कैसी रहती है, हमारी सीट कहाँ मिलता है, विंडो सीट मिलता है, कहाँ भी मिलता है। तो आप लोग एंड तक का देखते रहना और बने रहना और देखते रहना। सो गाइस अभी हम लोग चलते हैं और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। तो सब जा ही रहे हैं और हमारे हाथ में सिर्फ मेरा बोर्डिंग पास है और कुछ भी नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले 44B पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो अभी हम लोग 44B पे चलते हैं और देखते हैं जैसा रहता। अभी हम लोग अपने गेट पर पहुँच गए, आप लोग को यहाँ से एयरप्लेन वगैरह दिखती रहेगी। तो चलो अभी हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। देख सकते हैं अभी हम लोग की वाली फ़्लाइट है इंडिगो, आप लोग को दिखती रहेगी, तो वहाँ पर चलते और देखते हैं सर। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, फ़्लाइट थोड़ी लेट हो गई थी, आप लोग सब देख सकते हैं सब कितना जल्दी जल्दी आ रहे हैं और हम लोग की फ़्लाइट बाहर ही खड़ी है। सभी हम लोग चलते हैं और मैंने बोला था ना थोड़ा वो सब के अंदर थोड़ा लेट हो गया था, देखते फिर हम लोग चली रहे, हम लोग की एंट्री हो चुकी है और थोड़ा लेट हो गया था हम लोग को। तो हम लोग चलो चलते हैं और देखते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, अभी हम लोग चलो चल रहे हैं और देखते हैं। अभी हम लोग सब बैठ चुके हैं और यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, आपका है। तो गाइस अभी हम लोग सब फाइनली रियाद में पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ के कुछ 6 बज रहे, तो इंडिया को कुछ समझ लो यार ना आगे होगा। अभी ना हम लोग इतना ज़्यादा मुश्किल ट्रैवलिंग करने के बाद पहुँच चुके हैं रियाद, और आप लोग को ना यार थोड़ा फ्लाइट में भी सीन दिखा देता, बट वहाँ पर ना कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, टोटली सब फ़ोन एयरप्लेन मोड पर थे, तो इस वजह से मैं कुछ दिखा भी नहीं पाया, डायरेक्ट इधर ही आ गया। और वैसे भी मैं सो गया था, 4 बजे फ्लाइट थी और डायरेक्ट यहाँ के 5 बजे पहुँचे। देखो पूरा एग्जिट है जैसा इंडिया में रहता है, लोग आते हैं यहाँ से देखने के लिए, और बाहर का एयरपोर्ट का लुक काफ़ी अच्छा है। सभी हम लोग आउट तो हो चुके से ना गाइस, मतलब समझो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ से कुछ ना एयरप्लेन का बोला थोड़ा बस का भी सफ़र है, बिल्कुल 12 घंटे का रहेगा गाइस। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही वो हूँ क्योंकि बैठे बैठे पूरा सड़े जाना है यार। तो अभी हम लोग चलो बाहर चलेंगे और आप लोगों को बाहर का सीन भी दिखाऊंगा और बस वाला हम आप लोग पार्ट 2 में देखोगे। तो भाई हम लोग फाइनली आउट हो चुके हैं यार एयरपोर्ट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ का लोग काफ़ी बहुत है। तो आप लोगों को थोड़ा डिटेलिंग में भी बताऊँगा, तो यहाँ का थोड़ा देख सकते हो और यहाँ की ना कुछ स्पेसिफिकेशन, यहाँ से ना इंडिया से ज़्यादा वर्कर आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, आप सभी लोग जानते होंगे। हम लोग फाइनली इधर तो अराइव हो चुके हैं, अभी टैक्सी पकड़ेंगे, फिर हमें अपने बस के पास भी जाना है। तो हम लोग चलते हैं